बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कहा? ओबीसी समाज करने लगा गिरफ्तारी की मांग। समर्थन से पहले जान लीजिए पूरी सच्चाई। खुद को अग्निहोत्रि ब्राह्मण बताने वाले रामदेव ने कही ऐसी बात, कुछ ही घंटे में पतंजलि का होगा लाखों का नुकसान। क्या भगवा ओढ़ने और दाढ़ी बढ़ा लेने से बदल गई बाबा रामदेव की जाति? वीडियो देखकर कई लोग पूछ रहे सवाल। बाबा रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताते हुए ओबीसी का अपमान कर रही हैं, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कुछ ही घंटे में पतंजलि को लाखों का नुकसान करवाने का दावा भी चल रहा है। ओबीसी समाज पतंजलि प्रोडक्ट के बायकॉट का अभियान चला रहा है। ऐसे में इसे लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो बाबा रामदेव ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मैंने तो ओबीसी कहा था, ओबीसी कहा ही नहीं। ऐसे में पहले उनका वायरल वीडियो सुनवाते हैं, फिर पूरी बात बताते हैं। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूँ अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण, चार वेद मैंने पढ़े। हालांकि ये वीडियो क्लिप अधूरा है, पूरी वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें बाबा रामदेव ने ऐसी बातें क्यों कही हैं, ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर बाबा रामदेव की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, ताकि जो इस वीडियो को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि क्या भगवा ओढ़ने और दाढ़ी बढ़ा लेने से बाबा रामदेव की जाति बदल गई, उनकी शंका का समाधान हो सके। करीब 5 साल पहले राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन में शामिल होने पहुंचे बाबा रामदेव ने खुद कहा था, मैं यादवों में जन्मा हूं, मेरा ननिहाल बैरोड़ में है, लेकिन मैं यहां किसी जाति को साधने नहीं आया हूं, क्योंकि साधुओं की कोई जाति नहीं होती है। ये सच है कि साधु जाति विहीन होते हैं, पर सवाल है कि आजकल के साधु संतों को फिर अपनी जाति पर इतना गर्व क्यों हो रहा है, या फिर अधूरी क्लिप वायरल कर लोग आखिर किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? ये बाबा रामदेव की वायरल क्लिप का पूरा वीडियो है, जिसे भारत स्वाभिमान मुख्यालय हरिद्वार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। पूरा वीडियो आप खुद ही सुनिए, फिर बताइए कौन सही है और कौन गलत है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूँ अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण, चार वेद मैंने पढ़े। और मैं हूं ब्राह्मण क्योंकि अज्ञान को मिटाता हूं, मैं हूं क्षत्रिय सबका भय मिटाता हूं, और मैं हूं वैश्य मैं सबका भाव मिटाता हूं, और मैं हूं शूद्र मैं अपवित्रता दूर कर तुम्हारे तन की मन की जीवन की आहार की विचार की वाणी की व्यवहार की स्वभाव की आचरण की अपवित्रता दूर करके अशुचिता दूर करके मैं शुचिता प्रतिष्ठापित करता हूं, इसलिए मैं महाशूद्र हूं। क्या हूं बोलो? महाशूद्र और महाब्राह्मण भी हूं। महाब्राह्मण वैसे यहां हरिद्वार में जो हड्डी बहाने वाले उनको कहते, अस्थि विसर्जन वो भी करवा देते हम, वो भी काम करवा देते हैं। जो हमारे कुछ बहुत प्रियजन होते हैं, बोले बाबा जी आपको अस्थि विसर्जन में आना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो काम मैंने सुना है महाब्राह्मण कराते हैं। बोले स्वामी जी आपसे बड़ा ब्राह्मण और कौन को, वो हम ब्राह्मण का और अर्थ, जैसे महाभोज होता है मृत्यु भोज और बाकी तो भोग होता है, महाभोज मृत्यु भोज। दुनिया भर के हमने सारी ये सारी कुंठाएं खत्म करके तुमको बता दिया कि तुम में सब कुछ है, तुमसे सब कुछ है, जहां से तुम खड़े होगे वहां से नई दुनिया शुरू होगी, वहां से इतिहास। तो बोले स्वामी जी हम आए तो रोग मिटाने, आप तो हमारे भीतर कुछ और ही भर रहे हो। तुम्हारे भीतर मैं शक्ति भर रहा हूं, शौर्य भर रहा हूं, ब्राह्मणत्व तो भर रहा हूं, क्षत्रियत्व तो भर रहा हूं, तुम्हारे भीतर वैश्यत्व तो भर रहा हूं, शूद्रत्व तो भर रहा हूं, आर्यत्व भर रहा हूं, दिव्यता भर रहा हूं, देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व भर रहा हूं, योग यजन भर रहा हूं, भजन भर रहा हूं। कुछ समझ में आई बात?